मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा एक दिवसीय धरना देकर शासन से रखी मांगे सालेजोका नगर में। जी हां, मध्य प्रदेश में हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर बात सामने निकल कर आती है। आज हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिला की, जहां पर एक बार फिर मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा शासन के सामने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। जी हां, गाडरवारा तहसील के अंतर्गत नगर सालेजोका में मध्य प्रदेश किसान सभा ने आज एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें मध्य प्रदेश किसान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी अखिलेश यादव, राम नारायण कुरवरिया कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इनकी मौजूदगी में मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा नगर सालेजोका में रैली निकालकर धरना देकर केंद्र सरकार मध्य प्रदेश शासन के सामने मांग रखी। नगर सालेजोका में कॉलेज बने, ट्रेनों का स्टॉपेज हो, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की भरपाई हो, साथ ही गाडरवारा को जिला बनाए, इन सभी बातों का समर्थन धरने में आए बहुजन समाज पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा दिया गया। स्कूली छात्राओं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कॉलेज खुलने की बात मामा कहते हुए रखी गई। कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ नागरिकों का, युवाओं का, महिलाओं का आभार किसान महासभा के गाडरवारा तहसील अध्यक्ष जगदीश पटेल, उपाध्यक्ष लीलाधर पटेल द्वारा दिया गया। विनायक न्यूज मध्य प्रदेश की खास खबर, रिपोर्टर विनोद चौधरी। कौन सा कार्यक्रम? आज जो एक कार्यक्रम सालेजोका में स्थानीय हमारे मांग ये है कि एक सालेजोका जो है जो गाडरवारा तहसील का केंद्र है, तो यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए। सालेजोका में 65 से लेकर 70 गाँव का आवागमन है रेल, यहाँ पे रेलगाड़ियों का जो स्टॉपेज है, अमरकंटक है, राजकोट है, इंटरसिटी है, इसका स्टॉपेज खोला जाए। और यहाँ पे सालेजोका नगर परिषद के अंदर एक आवास, मतलब यहाँ पे क्या बोलूँ, आवासीय भवन बनाया जाए, जहाँ पे लोग सामुदायिक भवन बनाया जाए, जहाँ पे लोग बैठ सकें, आपस में बैठ सकें। इन मुद्दों पर आपका समर्थन? इन मुद्दों पर जो आंदोलन चल रहा है उसका हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से समर्थन करते हैं। किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए? देखिए, आज मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से जो धरना चल रहा है, उसमें जो मांगे हैं, हम समझते हैं ये मांगे बहुत ज्वलंत हैं। और देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी सालेजोका में जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएँ, उन सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यहाँ तक कि हमें ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर मतलब सरकारी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर नहीं है, और मतलब उस तरीके का सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। अब ये बताइए कि जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? इस तरीके की बातें को लेकर ये धरना हो रहा है, बहुत ही गलत बात है। हमारा दूसरा कहना ये है कि जब चुनाव में विधायक, सांसद, तमाम सारे लोग आते हैं, तब तमाम सारे लोग ये आश्वासन दे के जाते हैं कि हम सालेजोका में